हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में व्यूअर्स। बात करेंगे आज यूपी स्कॉलरशिप को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 11 तारीख का पेपर जो है कि ऑनलाइन देखा है। इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 10,000 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति फार्म हुए निरस्त। तो इससे आप लगा सकते हैं अनुमान कि सरकार ने जो है कि बजट जो है कि छात्रों के लिए पास कर दिया है, इसीलिए जो है कि छात्रों के फार्म को जो है निस्तारित किया जा रहा है। जिन छात्रों के फार्म में त्रुटि है उनको निरस्त किया जा रहा है, और जिन छात्र फार्म में कोई त्रुटि नहीं है उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है। तो आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, आजमगढ़ की न्यूज़पेपर्स में है। चालू शैक्षिक सत्र में छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की सरकारी सुविधा पाने से वंचित पूर्व दशम और दसमोत्तर के छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी अधिक है। जो छात्र थे शैक्षिक सत्र में जो चल रहा था उसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा छात्र थे जो स्कॉलरशिप की धनराशि नहीं पाए हैं। फार्म में गड़बड़ी के 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं के फार्म रिजेक्ट हो गए हैं। इसका कारण वेबसाइट के ठीक से ना चलने और संस्थाओं के समय से आवेदन को सत्यापित कर अग्रसित ना करने एवं आवेदन समाज कल्याण विभाग में आकर लंबित होने के कारण हुआ है। कितने फार्म रिजेक्ट हुए इसका डाटा तो विभाग बता रहा है, लेकिन कितने फार्म अग्रसित नहीं किए जा सके यह बताने विभाग असमर्थता जता रहा है। आजमगढ़ में 1.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी एवं संस्था से अग्रसित करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी निर्धारित की गई थी। पूर्व दशम के तहत कक्षा 9-10 में पढ़ने वाले विभिन्न संस्थाओं के छात्र ने आवेदन किया था। इसके अलावा दसमोत्तर के तहत इंटरमीडिएट BA, BSc, MSc, MA, BEd, BTC, ITI, इंजीनियरिंग और अन्य संस्थाओं के छात्र आते हैं। जनपद में दसमोत्तर के SC ST के तहत 5,266 और समान वर्ग के साथ 1,207 आवेदन किया था, जिसमें से ST ST के 1,607 और समान वर्ग के 219 आवेदकों का फार्म रिजेक्ट हो गया है। वहीं दसमोत्तर के SC ST के करीब 79,630 और समान वर्ग के 23,704 छात्रों ने आवेदन किया, जिसमें से SC ST के 5,266 और समान वर्ग के 1,207 आवेदक को रिजेक्ट किया गया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि छात्रों के स्कॉलरशिप के जो भेजने का कार्य है ये चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नियत तिथि तक सत्यापित होकर आने वाले आवेदक अग्रसित कर दिए गए हैं। बजट की उपलब्धता के आधार पर शासन से छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। जो है कि बजट उपलब्ध हो गया है और आप सभी छात्रों की स्कॉलरशिप की धनराशि जो है भेजी जाएगी। अभी वेबसाइट बंद चल रही है, जो वेबसाइट है आप लोगों की भी बंद चल रही है। लंबित फार्मों की स्थगित वेबसाइट चालू होने पर स्पष्ट हो सकेगी, तो व्यूअर्स स्पष्ट हो सकेगी। आप देख सकते हैं कि अभी जो है कि वेबसाइट बंद चल रही है और सत्यापन का कार्य फार्म चल रहा है। तो जिसमें से हम और आपको एक जिले का न्यूज़पेपर से दिखा देते हैं, जिसमें से इस तरीके की बात बताई गई है और छात्रों के फार्म को वेरीफाई किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाराणसी का न्यूज़पेपर से, यहाँ पे बजट के अभाव में 17,000 छात्र छात्राओं को नहीं मिली छात्रवृत्ति, इस तरीके की बात को बताया गया है। तो आप मान के चलिए सभी छात्रों की स्कॉलरशिप जो है आने वाली है। नियत तिथि आप लोगों को बता दे रहे हैं कि लगभग 15 मई से लेकर के 20 मई तक सभी छात्रों की स्कॉलरशिप की धनराशि भेजी जाएगी। जिन छात्रों का फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया उन छात्रों की स्कॉलरशिप 100% चांस है कि उनकी स्कॉलरशिप जो है कि 15 मई से लेकर के 20 मई तक उनके खाते में भेज दी जाए, क्योंकि सरकार ने कुछ बजट जो है कि पास किया है, उस बजट के उपलब्ध होने पर सभी छात्रों की स्कॉलरशिप की धनराशि दी जाएगी। और व्यूअर्स, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि यूपी स्कॉलरशिप संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या एजुकेशन से रिलेटेड कोई जानकारी हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।